हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल इंडियन रेल टीवी पर। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी होने वाली है वो ट्रेन है ट्रेन नंबर 19302 यशवंतपुर डॉक्टर अंबेडकर नगर वीकली एक्सप्रेस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे हमेशा की तरह निवेदन है कि सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यशवंतपुर डॉक्टर अंबेडकर नगर वीकली एक्सप्रेस एक वीकली ट्रेन है। ये हफ्ते में सिर्फ मंगलवार के दिन चलती है। दोपहर के 3:50 पर कर्नाटका के यशवंतपुर जंक्शन से ट्रेन रवाना होती है और दो रात चलकर तीसरे दिन सुबह 7:15 पर मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर पहुंचती है। इस ट्रेन को कुल 1911 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 38:30 का समय लगता है और 31 स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 49 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है 130 किलोमीटर पर आवर। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और वेस्टर्न रेलवे जोन इस ट्रेन को ऑपरेट करता है। यशवंतपुर जंक्शन से अकोला जंक्शन तक इस ट्रेन को KGM लोकोशेड का WDP-4D डीजल लोकोमोटिव सर्विस देता है और आगे अकोला जंक्शन से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक इस ट्रेन को वडोदरा लोकोशेड का WAP-7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सर्विस देता है। और अगर कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 22 डिब्बे लगे हुए हैं, जिसमें से 2 2-tier AC, 6 3-tier AC, 8 sleeper class, 1 pantry car और 3 general coach के साथ ही 2 EOG यानी जनरेटर कार के कोच इस ट्रेन में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ट्रेन के टिकट किराए के बारे में। इस ट्रेन के 2-tier AC का किराया है 2,865 रुपए, जिसमें बेस फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज शामिल होता है। 3-tier AC का किराया है 1,970 रुपए, जिसमें बेस फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का किराया है 740 रुपए, जिसमें बेस फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज शामिल होता है। और दोस्तों, इस ट्रेन के जनरल टिकट का किराया है 440 रुपए। दोस्तों, मैंने जो अभी आपको किराया बताया है वो यशवंतपुर जंक्शन से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक का बताया है। इस ट्रेन के टिकट किराए के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप रेलवे के टिकट काउंटर या फिर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर चेक कर सकते हैं। इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग, ई कैटरिंग और पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। दोपहर के 3:50 पर यशवंतपुर जंक्शन से ट्रेन रवाना होती है और उसके बाद दोस्तों ट्रेन 4:06 पर यलहंका जंक्शन पर आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 4:08 पर यहाँ से रवाना होती है। 5:20 पर हिंदूपुर स्टेशन पर ये ट्रेन आती है और 1 मिनट रुकने के बाद 5:21 पर यहाँ से रवाना होती है। 6:35 पर धर्मावरम जंक्शन पर ये ट्रेन आती है और 5 मिनट रुकने के बाद 6:40 पर यहाँ से रवाना होती है। 8:14 पर गुत्ती जंक्शन पर ये ट्रेन आती है और 1 मिनट रुकने के बाद 8:15 पर यहाँ से रवाना होती है। 10:08 पर कुरनूल सिटी पर ये ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 10:10 पर यहाँ से रवाना होती है। और उसके बाद दोस्तों ये ट्रेन रात के 11:29 पर गढ़वाल जंक्शन पर आती है और 1 मिनट रुकने के बाद 11:30 पर यहाँ से रवाना होती है। रात के 12:58 पर महबूबनगर स्टेशन पर ये ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 1 बजे यहाँ से रवाना होती है। 3:15 पर काचीगुड़ा स्टेशन पर ये ट्रेन आती है और 15 मिनट रुकने के बाद 3:30 पर यहाँ से रवाना होती है। उसके बाद दोस्तों ये ट्रेन सुबह के 5:59 पर कामारेड्डी स्टेशन पर आती है और 1 मिनट रुकने के बाद 6 बजे यहाँ से रवाना होती है। उसके बाद दोस्तों ये ट्रेन 6:58 पर निजामाबाद जंक्शन पर आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 7 बजे यहाँ से रवाना होती है। 8:48 पर मुदखेड़ जंक्शन पर ये ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 8:50 पर यहाँ से रवाना होती है। और उसके बाद दोस्तों ये ट्रेन 9:35 पर हजूर साहिब नांदेड़ स्टेशन पर आती है और 5 मिनट रुकने के बाद 9:40 पर यहाँ से रवाना होती है। 10:20 पर पूर्णा जंक्शन पर ये ट्रेन आती है और 20 मिनट रुकने के बाद 10:40 पर यहाँ से रवाना होती है। उसके बाद दोस्तों ट्रेन दोपहर के 12:19 पर हिंगोली डेक्कन पर आती है और 1 मिनट रुकने के बाद 12:20 पर यहाँ से रवाना होती है। 1:19 पर वाशिम स्टेशन पर ये ट्रेन आती है और 1 मिनट रुकने के बाद 1:20 पर यहाँ से रवाना होती है। उसके बाद दोस्तों ट्रेन 3 बजे अकोला जंक्शन पर आती है और 10 मिनट रुकने के बाद 3:10 पर यहाँ से रवाना होती है।
4:42 पर न्यू अमरावती स्टेशन पर ट्रेन आती है और 3 मिनट रुकने के बाद 4:45 पर यहाँ से रवाना होती है। 5:33 पर चांदूर बाजार स्टेशन पर ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 5:35 पर यहाँ से रवाना होती है। 6:14 पर वरुड ऑरेंज सिटी पर ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 6:16 पर यहाँ से रवाना होती है। 7:08 पर नरखेड़ जंक्शन पर ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 7:10 पर यहाँ से रवाना होती है। 8:18 पर अमला जंक्शन पर ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 8:20 पर यहाँ से रवाना होती है। 8:36 पर बैतूल स्टेशन पर ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 8:38 पर यहाँ से रवाना होती है। उसके बाद दोस्तों ट्रेन रात के 11:20 पर इटारसी जंक्शन पर आती है और 10 मिनट रुकने के बाद 11:30 पर यहाँ से रवाना होती है। 12:52 पर रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 12:54 पर यहाँ से रवाना होती है। 1:10 पर भोपाल जंक्शन पर ट्रेन आती है और 5 मिनट रुकने के बाद 1:15 पर यहाँ से रवाना होती है। 2:37 पर शुजालपुर स्टेशन पर ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 2:39 पर यहाँ से रवाना होती है। 3:15 पर बेरछा स्टेशन पर ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 3:17 पर यहाँ से रवाना होती है। उसके बाद दोस्तों ट्रेन 3:34 पर मक्सी जंक्शन पर आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 3:36 पर यहाँ से रवाना होती है। और उसके बाद दोस्तों ट्रेन सुबह के 4:30 पर उज्जैन जंक्शन पर आती है और 15 मिनट रुकने के बाद 4:45 पर यहाँ से रवाना होती है। 5:21 पर देवास जंक्शन पर ट्रेन आती है और 2 मिनट रुकने के बाद 5:23 पर यहाँ से रवाना होती है। उसके बाद दोस्तों ट्रेन सुबह के 6:20 पर इंदौर जंक्शन पर आती है और 10 मिनट रुकने के बाद 6:30 पर यहाँ से रवाना होती है। उसके बाद दोस्तों ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन यानी डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन पर सुबह के 7:15 पर पहुँचती है और अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त करती है। दोस्तों अगर मेरी यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।